गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर सिक्सटीन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द चैप्टर नेम इज फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकार इसमें आप पढ़ेंगे जो हिंदी में आपने अलंकार पढ़े थे इसमें आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंग्लिश में एन अदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन क्रिएटिंग वर्ड पिक्चर्स इज द यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एन अदर इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन क्रिएटिंग वर्ड पिक्चर्स वर्ड पिक्चर्स बनाने के लिए दूसरी टेक्निक का यूज किया जाता है जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है जिन्हें हम फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं इसके यूज से बनते हैं द फिगर मीन्स ड्रॉइंग और अ पिक्चर एंड द फिगर्स ऑफ स्पीच क्रिएट पिक्चर्स इन द माइंड ऑफ रीडर और लिसनर फिगर मीन्स होता है ड्रॉइंग या पिक्चर एंड द फिगर्स ऑफ स्पीच क्रिएट पिक्चर्स इन माइंड और फिगर्स ऑफ स्पीच क्या करता है एक ऐसा सेंटेंस क्रिएट करता है जो कि एक पिक्चर क्रिएट करता है हमारे माइंड में रीडर या लिसनर के माइंड में क्रिएट करता है विच कन्वे द मीनिंग फास्ट है जिससे कि जो मीनिंग होती है सेंटेंस की वो और फास्टली समझ में आती है फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है वर्ड पिक्चर्स होता है जो कि फिगर्स ऑफ स्पीच के हेल्प uh, से बनाए जाते हैं ये ऐसे सेंटेंस को डेकोरेट करते हैं जिससे कि उस सेंटेंस के उस वर्ड की एक पिक्चर हमारे माइंड में बन जाती है और उसकी मीनिंग को हम बहुत ही आसानी से फास्टली उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं नोट में क्या दिया है फिगर्स ऑफ स्पीच आर लाइक डेकोरेशन ऑन द केक दैट यू दैट मेक योर राइटिंग अपीलिंग एंड फॉर यू टू अर्न More compliments. Figures of speech is is like a decoration on the cake. जैसे कि cake के लिए decoration बहुत important होता है वैसे ही sentence writing के लिए decoration उसमें important चीजें बहुत ही मैंने रखती हैं तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच एज अ डेकोरेशन यूज किया जाता है सेंटेंसेस में जो कि राइटिंग को बहुत ही अपीलिंग और मोर अंडरस्टैंडिंग बनाता है उसे और कॉम्प्लीमेंट्री लुक देता है उसे और डेकोरेटिव लुक देता है There आर फॉलोइंग बहुत सारे होते हैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट आप पढ़ेंगे फर्स्ट है सिम्बली नेक्स्ट परसोनिफिकेशन थर्ड है आपका मेटोफा एंड फोर्थ है आपका ऑलिटोरे फर्स्ट है आपका सिम्बली सिम्बली क्या होता है अ असिम्बली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स सिम्बली जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं सिम्बली एक ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है दैट डायरेक्टली कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स जो टू डिफरेंट थिंग्स को आपस आप में डायरेक्टली कंपेयर करता है द सिम्बली इज यूजली इन अ फ्रेज दैट बिगिन विद द वर्ड्स एज और लाइक सिम्बली एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है जो सेंटेंस जो स्टार्ट होता है बिगिन होता है किस वर्ड्स के साथ एज या लाइक like वर्ड के साथ सिमली में जब हम किसी सेंटेंसेस में डिफरेंट तो वर्ड्स को डिफरेंट थिंग्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसमें हम दो वर्ड्स का यूज कर सकते हैं या तो एज या लाइक फॉर एग्जाम्पल सुरेश इज स्लो एज अ स्नेल स्नेल और सुरेश में काफी कम यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं एक आपका स्नेल तो आप जानते ही हैं कि वो हो गया इंसेक्ट और सुरेश एक ह्यूमन हो गया दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है कि सुरेश इज स्लो एज अ स्नेल स्नेल की तरह सुरेश स्लो है तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट थिंग्स का आपस में डिफरेंट चीजों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पर सिमली में लाइक like या एज का यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए स्नेल्स आर इन फेमस फॉर देर स्लो स्ने और शो करने के लिए यहाँ पर उसको स्नेल से कंपेयर किया जा रहा है दिस एज ड्रॉ लाइकनेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो एज यूज किया गया है वो लाइकनेस शो करता है कि दोनों में एक जैसी अलाइकनेस है यानी कि दोनों में जो कंपैरिजन uh, किया जा रहा है वो बताया जा रहा है है। है, कि सुरेश के जैसा एक ऐसा figures of a speech होता है जिसमें डिफरेंट थिंग्स का टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स का आपस में कंपेरिजन होता है सिम्बली ड्रॉज द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक एंड एज और सिंबली में uh, resemblance means शो करता है कि एक जैसे है और उसके कंपेरिजन uh, के लिए दो वर्ड का यूज होता है या तो लाइक like या एज यहां पर एक एक्सरसाइज है मैं सारी एक्सरसाइज आपको लास्ट में दिखाऊंगी तो आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा यहाँ बुक में नहीं करेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर देखे थिंक एंड राइट द मीनिंग ऑफ ऑफ द दिम्बली बिलो यहाँ सिम्बली दिए हुए सेंटेंसेस में इसकी मीनिंग लिखनी है सारी एक्सरसाइजेस में लास्ट में दिखाऊंगी आप उसको कॉपी में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका परसोनिफिकेशन जिसे हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं परसोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग एन आइडिया और एन

या जैसे कि टेबल को हम ऐसे शो करें सेंटेंस में कि वो एक ह्यूमन बीइंग है उसी के तरीके रिएक्ट करे, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन सेंटेंस होता है द नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स आर पोर्ट्रेट इन सच अ मैनर दैट वी फील दे हैव एन एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स नॉन नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग जो होती है उनको ऐसे यहाँ पर शो किया जाता है कि जैसे कि उनमें ऐसा मैनर है जो कि एक ह्यूमन बींग में होता है वो ऐसी एबिलिटी को शो करते हैं ऐसे एक्ट uh, को शो करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग करते हैं फॉर एग्जाम्पल माई अलार्म क्लॉक यल्स एट मी एवरी मॉर्निंग यींस होता है चिल्लाना माई अलार्म क्लॉक मेरी अलार्म क्लॉक ने मेरे ऊपर चिल्लाया एवरी मॉर्निंग हर मॉर्निंग मेरे मेरी अलार्म क्लॉक मेरे ऊपर चिल्लाती है माई कार कम्पलेंट एज आई टर्न द की मेरी कार ने मुझ पर कंप्लेन की कि मैं उसे मैं उसे आ, की को टर्न करूं टर्न बैक दू उसको तो यहाँ पर देखिए अलार्म क्लॉक और कार नॉन लिविंग है लेकिन यहाँ पर ऐसे शो किया जा रहा है कि ये लिविंग थिंग है तो ये हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया यहाँ पर येलिंग एंड कम्प्लेनिंग आर ह्यूमन क्वालिटी और कम्पलेनिंग ह्यूमन क्वालिटीज है जो की यहाँ पर क्लॉक और कार को दिया गया है उसके थ्रू शोक किया गया है यहाँ पर इससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज है ये भी मैं लास्ट में बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेटोफर मेटाफर जिसे हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं अ मेटाफर इज अ वर्ड और फ्रेज यूज टू कंपेयर टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आइडियाज थॉट्स और फीलिंग टू प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन मेटाफर सिमिली की तरह यूज होता है लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सिमिली में हम एज और लाइक का यूज करते हैं जबकि मेटाफर में हम एज और लाइक का यूज़ नहीं करते हैं सिमिली में हम क्या कर रहे थे टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हम आपस में कंपैरिजन कर रहे थे यहाँ पर भी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आइडियाज और थॉट्स को फीलिंग्स को आपस में कंपेयर करेंगे लेकिन यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं होता है इसे फॉर एग्जाम्पल दिया है ऑल द वर्ड्स स्टेज ऑल द वर्ड्स स्टेज द राइटर हियर कंपेयर द वर्ड टू अ प्ले ऑर अ स्टेज एंड ऑल मैन एंड वोमेन आर merely एक्टर्स यहाँ पर सेंटेंस में क्या शोक किया जा रहा है कि ये वर्ड जो है संसार जो है एक प्ले की तरह है एक ड्रामा की तरह है और स्टेज की तरह है एंड ऑल मैन एंड वोमेन आर मियरली एक्टर्स एंड प्लेयर्स ऑन दिस स्टेज और जो मैन और वोमेन है वो यहाँ पर एक्टर्स और प्लेयर्स की तरह है जिसे हम वर्ड कहते हैं ऑन दिस स्टेज कॉल्ड द वर्ल्ड मीन्स संसार में जितने भी ह्यूमन बींग हैं मैन और वोमेन वो एज अ एक्टर प्लेयर की तरह वर्क करते हैं यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है लेकिन यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है नोट में देखिए दिया है वी डू नॉट यूज लाइक और एज टू डेवलप अ कंपेरिजन इन अ मेटाफर मेटाफर में इसकी पहचान सबसे ज्यादा ये इजी होती है कि यहाँ पर लाइक और एज का यूज नहीं होता है ओके okay. तो स्टूडेंट यहां पर भी देखिए यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज दी है इसको भी हम सब लास्ट में सारी एक्सरसाइजेस करेंगे जो इंपॉर्टेंट कि वो मैं आपको कराऊंगी तो आज की क्लास में बस इतना ही आई विल मीट यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड देन गुड बाय टेक केयर